नमस्कार दोस्तों, आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि कभी करीबियों का दिल मत तोड़े। एक राजमहल में एक काम वाली और उसका बेटा काम करते थे। एक दिन राजमहल में काम वाली के बेटे को हीरा मिलता है। वो माँ को बताता है और काम वाली होशियारी से वो हीरा बाहर फेंक कर कहती है कि कांच है, हीरा नहीं। काम वाली घर जाते वक्त चुपके से हीरा उठा के ले जाती है और सुनार के पास जाती है तो सुनार समझ जाता है कि इसको वो हीरा कहीं से मिला है। अब ये असली है या नकली पता नहीं, इसलिए पूछनी आई है। उस सुनार ने गेस किया। सुनार भी होशियारी से वो हीरा बाहर फेंक कर कहता है कि ये कांच का है, हीरा नहीं है। काम वाली लौट जाती है। सुनार वो हीरा चुपके से उठाकर एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी हीरा पहचान लेता है। अनमोल हीरा देखकर उसकी नीयत बदल जाती है। वो हीरा बाहर फेंक कर कहता है कि कांच है, हीरा नहीं। और जैसे ही वो हीरा बाहर फेंकता है, उस हीरे के टुकड़े हो जाते हैं। हीरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उसने हीरे के पास जाकर पूछा कि काम वाली और सुनार ने तुम्हें दो बार फेंका तो तब नहीं टूटा, पर जब तेरे को जौहरी ने फेंका तो तब क्यों टूटा? और इतने में हीरा बोला कि काम वाली और सुनार ने जब मेरे को फेंका तो उनको मेरी असलियत नहीं पता थी, पर जौहरी को तो मेरी असलियत पता थी। ये दुख मेरे को सहन नहीं हुआ, इसीलिए मैं टूट गया। ऐसा ही हम मनुष्यों में भी होता है, जैसा हीरे के साथ हुआ। जो लोग आपको जानते हैं उसके बावजूद भी आपका दिल दुखाते हैं, तब ये बात आप सहन नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए करीबियों का दिल ना तोड़ें। हमारे आसपास बहुत से लोग हीरे जैसे होते हैं, तो कोशिश करिए सबसे प्यार बनाकर रखें, उनका दिल और भावनाओं को कभी मत दुखाएं और ना ही उनके अच्छे। मेरा मन करता है कि एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, सब यहीं रह जाना है। रोने से तो आंसू भी प्राय हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से प्राय भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हों। धन्यवाद दोस्तों।